Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill, and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge. Assalamu alaikum everyone, welcome back again in another episode of Confidence Lounge. हम सब लोग बात कर रहे हैं आज बॉडी लैंग्वेज पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले दो तीन एपिसोड्स में बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको अपने ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है और उन्हीं से लर्न करके हम आगे इम्प्रूव करते जाते हैं. अच्छा, बॉडी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस को डिवेलप करने के लिए और कॉन्फिडेंट नज़र आने के लिए. आज हम डिस्कशन करेंगे अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ, फातिमा, समीर एंड शुएब के साथ, कि बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से आपको रखना चाहिए, कैरी करना चाहिए, ताकि आप इतना कॉन्फिडेंट नज़र आएँ. और बॉडी लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी भी पोस्चर में बैठे होते हैं वो पोस्चर कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, दूसरों को पता चल रहा होता है, उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, आपका बैठने का पोस्चर भी होता है, ठीक है. तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पोस्चर को. पोस्चर को मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ श्वेब साहब के साथ. पोस्चर की बात की है तो सारे थोड़ा सा ऐसे सही होके बैठे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्चर, तो हमें अपना पोस्चर सबसे पहले ठीक करना चाहिए. अनइंटेंशनली हो जाता है कि मैं कहीं ठीक बैठा हूँ. वेल, बिल्कुल ठीक बात की हमारा आपने. वो ये कि बॉडी लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम लोग. और मैं ये समझता हूँ व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम बोलते बाद में हैं जनरली, लोगों से जब हम मिलते हैं तो लोग हमें देखते सबसे पहले हैं. और देखने में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग मैटर्स. एवरीथिंग में जैसे हमारा ने कहा कि आप जैसे बैठे हैं, जैसे आप खड़े हैं, जैसे मतलब अगर मैं किसी दोस्त के साथ खड़ा हूँ तो किस तरीके से खड़ा हूँ, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट मी. अगर मैं किसी टेबल पे क्लास के अंदर बैठा हूँ तो किस तरीके से बैठा हूँ, दैट मैटर्स अ लॉट. और मैं स्टेज के ऊपर जाके किस तरीके से खड़ा होता हूँ, ये मैटर करता है. पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ. मेरे मतलब तकरीबन मैं स्कूल में ही होता था, बच्चों को नहीं पता होता, मेरे जैसे जो लोग हैं या जो समीर हैं जैसे माशाल्लाह अच्छी हाइट के लोग, और बचपन में बहुत ज्यादा स्किनी होना, खैर मैं तो अभी भी स्किनी हूँ, तो वो लंबे और स्किनी लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि जब वो चलते हैं तो थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है उनका, और एक कुब जिसको हम कहते हैं कि कुब हम्प निकल आता है, ठीक है. तो मैं उस तरीके से चल रहा था और मेरे मामू आर्मी में हैं, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये तुम किस तरीके से चल रहे हो. मैंने कहा मामू जैसे चलते हैं. कहते हैं कि इसको बिल्कुल सही करो, इसको अपने पोस्चर को. उन्होंने लिटरली हाथ के साथ मेरा पोस्चर ठीक किया. मुझे आज तक वो बात याद है, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अपना जो चेस्ट है वो बाहर और ये कमर अपनी सीधी रख के चला करो. अब ये लंबे और स्किनी बंदे के लिए बड़ा मुश्किल काम है, बंदे को ऐसे लगता है कि मुझे सजा दी हुई है ना. लेकिन मुझे उनकी बात समझ में आई कि बंदा बुरा लगता है इस तरीके से कि आप बिल्कुल हम निकाल के आप चलो या हम निकाल के बैठो, जिसको हम स्लाउचिंग भी कहते हैं, लंच होना भी कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि सीधा चलना चाहिए, बैठना है तो सीधा बैठना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर में भी बैठे हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से बैठे, लेकिन उनका कहने का मकसद है कि जब हम सोशल इंटरेक्शन में होते हैं, जब हमें अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं या अपनी वर्क प्लेस के ऊपर होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम सीधा खड़ा हो. तो उस दिन से मैंने वो बात ली और मैं अपने, अच्छा फिर करना ये फोर्सफुली पड़ता है, सबका दिल करता है कि वो इस तरीके से बैठे, ठीक है, सबका दिल करता है कि वो बड़े इस तरीके से. When you are tired. Exactly, when you are tired. लेकिन शुएब, मुझे ये पूछना है कि जब आप यूं बैठे हो,
आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपके इस बैठने को कैसे इंटरप्रेट कर रही हूँ, मुझे वो पूछना। अच्छा, ये जो जितनी भी इंटरप्रिटेशन होती है बॉडी लैंग्वेज की, ये सब कॉन्शियस माइंड में होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जी अब फातिमा इस तरीके से बैठी है तो मैं कुछ जज कर रहा हूँ कि नहीं, ये सब कॉन्शियसली में जाता है। आपने जो सवाल किया कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं इस तरीके से बैठा हूँ, लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो जी इस तरीके से बैठा है, तो सब कॉन्शियसली मैसेज जाता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू सिट लाइक दिस, बिकॉज कॉन्फिडेंट पीपल टेक मोर स्पेस, रिमेंबर दैट। ये भी एक बात है साइकोलॉजिकली कि जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है वो ही और शी टेक्स मोर स्पेस, यस यूज द फुल स्पेस, ठीक है। अच्छा, और उसका जो पोस्चर है वो सीधा होता है। जब आप ये हैं, आप टायर्ड हैं, आप नर्वस हैं, आप वीक हैं, यू आर नॉट इवन स्ट्रांग, तो जब आपने किसी से बात करनी है यू हैव टू लुक स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये अनकॉन्शियसली भी जाता है ना? बिल्कुल जाता है। मेरी एक आदत है कि मैं यूं करके बैठूंगी, कंधे ढीले करके बैठ जाऊंगी। Although I am not कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आई कांट फेस पीपल, लेकिन एक आदत बन गई है। अब इस आदत की वजह से अनकॉन्शियसली आई एम सेंडिंग अ मैसेज व्हिच कैन बी नेगेटिव। यू आर सेंडिंग अ मैसेज प्रोफेशनल जगह पे, ये एक मैसेज सेंड करता है और ये आपके नेगेटिव उसके अंदर जाता है कि यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ, यू आर नॉट, अपना ओपिनियन के ऊपर बड़ा वो नहीं, ग्रिप नहीं है आप। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि हम यूजुअली जैसे अब हम एक गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आई एम सिटिंग विद पीपल हु आर माय फ्रेंड्स एज वेल, तो अनइंटेंशनली मेरा पोस्चर थोड़ा सा इजी लेजी हो जाता है, लेजी भी हो जाएगा, थोड़ा कैजुअल भी हो जाएगा, बिकॉज़ आई नो कि मैं यहां कोई प्रोफेशनल डीलिंग नहीं कर रही, आई एम नॉट सिटिंग इन एन ऑफिस सेटअप और अ मीटिंग जहां मुझे स्ट्रेट बैठना है, इस पोस्चर के साथ कंपोज्ड बैठना है। तो व्हाट अबाउट दैट, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं मैम हमारा से कोई अपने पूरे दिन की गपशप में से कोई गपशप कर रही हूं, तो अब आई जस्ट sit like that, तो वो मैम भी creep out हो जाएगी कि क्या कर रही है, listen, हो जाता है, क्या हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग उस चीज के अंदर इतना ज्यादा इजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया, तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता। Exactly. इससे क्या है? इससे क्या? इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट मुझे लगता है प्रोफेशनल प्लेस पर आपको फर्क पड़ता है, जो बहुत सारे लोग, आप में से एक इंसान भी प्रोफेशनली अपनी बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त करके और अपने आप को पूरा सेटल करके बैठा होगा ना, उसके सामने बहुत सारे तीन चार लेजी भी बैठे होंगे, तो नजर आपकी उसी सेटल वन पे जाएगी, उसी के ऊपर ये दिस इज द परफेक्शन, क्योंकि उसने वो प्रॉपर उस पोस्चर के अंदर बैठा है। पोस्चर बहुत मैटर करता है और नजर आता है, जैसे स्मीने का विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, हाँ, आपका सवाल का जवाब एक तो समीर ने दिया कि जब आप इसके ऊपर काम करते हो ना, पोस्चर और जेस्टर्स के ऊपर, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। हाँ, घर में या दोस्तों के पास जैसे हम लोग चाय पीने जाते हैं लड़के, तो वहां तो मतलब यू हैव एवरी राइट टू बी लेजी, यू हैव एवरी राइट टू, कभी कभी थक जाती है कमर। एक ड्रामा था मैंने, उसके अंदर एक लड़की बात कर रही होती है, वो कहती है कि व्हाट डू यू थिंक, इट्स इजी टू स्टैंड स्ट्रेट ऑल द टाइम, कमर सीधी करके बैठना कोई आसान है, लेकिन हमें ये करना पड़ता है, और करना पड़ता है आपको प्रोफेशनल दिखने के लिए भी, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए भी। घर में आप जैसे बैठे हो, दोस्तों के साथ जैसे भी बैठे हो, तो पोस्चर डज मैटर। अच्छा, एंड अगर आपकी बात, आई हैव अ क्वेश्चन वंस अगेन, द पॉइंट इज कि हम सिर्फ पोस्चर को सिटिंग या स्टैंडिंग स्ट्रेट में क्यों लेकर आ रहे हैं, मतलब आई एम सिटिंग क्रॉस लेग और आई एम, मतलब इन चीजों को भी, व्हाई डोंट वी फोकस। अच्छा, अब बिल्कुल, इसकी अगर हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाएं तो देर आर सर्टन रूल्स, लेकिन हम बहुत ज्यादा उसको स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं करते। स्पेशली एक ऐसा बंदा फातिमा के जो कॉन्फिडेंट होना चाह रहा है, उसको जब हम कहेंगे ना आपने ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बैठना है, वो ज्यादा ही परेशान हो जाएगा और कॉन्शियस हो जाएगा। अच्छा, ओहो ऐसे खड़ा होना था मुझे। मैं कहता हूँ कि इसको नेचुरली अपना हिस्सा बना लें, अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। लेकिन एक चीज जो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है, आज से जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और ये जनरली देखा जाता है प्रॉब्लम कि बैठते सीधी कमर के साथ नहीं है और खड़े सीधी कमर, इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये एक मेजर चीज है। उसके बाद हमारी बात आती है कि किस तरीके से लेग्स क्रॉस करनी चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे ऑफिस में एक गेस्ट आए हुए थे और सब लोग साथ बैठे हुए थे और बहुत करीब एक बंदा बैठा हुआ था मेरे, और उसने अब लेग्स क्रॉस की और इस तरीके से, और सामने बिल्कुल मैं बैठा हुआ था। दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। अच्छा चलो, उसने तो कर दिया, उसको नहीं पता, समटाइम्स आप कह भी नहीं सकते, लेकिन
आपने फिर ये नेक्स्ट टाइम नहीं करना नहीं किसी और के साथ कि कोई बंदा अगर यहाँ बैठा मेरी बात सुन रहा है और मैं उसकी तरफ ये कर ठीक है. तो इफ यू वांट टू क्रॉस योर लेग्स यू कैन इन अ वेरी जेंटल मैनर, अदरवाइज अगेन इंटरव्यूज में और इन सारी चीजों में तो आपको अलाउड ही नहीं है इस तरीके से लेग्स को क्रॉस करके बैठना. क्लास में भी अलाउड नहीं है बिकॉज ये सेंस ऑफ रिलैक्स एंड वो है कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड. बस यहाँ पे जहाँ पे अटेंशन की जरूरत है वहाँ मैं इस तरह नहीं बैठूंगा, मैं लेक्चर में इस तरीके से नहीं क्रॉस लेग करके बैठूंगा. अच्छा शुएब, यहाँ पर एक और डिफरेंस भी आता है. हम लोग हर वक्त बात करते हैं जनरल, हमें थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करनी चाहिए कि इज देयर एनी डिफरेंस फॉर लाइक गर्ल्स एंड बॉयज. वेल यस, मैं आपको एक एग्जाम्पल, आई विश मैं खड़े होकर उठ के एग्जाम्पल दिखा सकता, वो ये कि जो लड़कों का, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन. स्टेज के ऊपर जाने का जो रूल है लोगों लड़कों के खड़े होने का, वो ये है कि आप अपनी लेग्स अपार्ट करके खड़े होते हैं लड़कों के लिए. क्यों? क्योंकि अगेन हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल को इतना ज़्यादा फील नहीं होती ये बात और वो ओपनली अपनी बॉडी को एक्सपोज भी कर सकते हैं तरीके से, ठीक है. तो उनका रूल ये है कि जितने आपके कंधे हैं उतनी लेग्स अपार्ट करनी है. ज़्यादा करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, कम करेंगे तो वो गर्लिश लगेगा, ठीक है. दिस इज रूल ऑफ थंब, आप इसको ले लें. लेकिन गर्ल्स यूजली, अगेन मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करने वाला, इफ द गर्ल वॉन्ट्स वो लेग्स अपार्ट करके खड़ी हो सकती है, अगेन अपने शोल्डर वाला रूल. लेकिन कंपोज एक जो लड़की अच्छी कंपोज लगेगी वो अपनी लेग्स को क्लोज करके जो खड़ी होती है वो लगेगी. अगेन यू कैन वॉक अराउंड यूज द जैसे आपने कहा कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, हम उस चक्कर में पड़ जाएं कि भाई ऐसे करना था तो हम हमारा सारा फोकस उधर चला जाएगा, हम बात ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी. ऐसे ही है, मैं अपने स्टूडेंट को सारा कुछ बताता हूँ, मैं कहता हूँ लेकिन इसको इतना ज्यादा कॉन्शियस ना हो जाना कि फिर इसी के बारे में सोचते रहना. अच्छा ये तो बात की हमने पोस्चर की, पोस्चर के साथ और भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड है हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर. इसमें हमारे साथ और जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है One of the most important ones, I guess. अच्छा हम unconsciously, अब मुझे बहुत वर्क करना पड़ा इस पे, तुम लोगों ने भी करवाया कि यार तुम्हारे फौरन चेहरे पे आया होता है, चेहरे पे आया होता है. तो ये क्या है, ये बात तो ना याद दिलाओ मुझे, ये बात तो मुझे ना याद दिलाओ, आपके चेहरे पे फ्रॉन है. अच्छा वो आता है, आता है. और वो मुझे ये बताओ कि इसका क्या इम्पैक्ट है कॉन्फिडेंस पे. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स और हम जैसे डिस्कस भी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, वी जस्ट गेट टू नो अलॉट अबाउट इट. अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर नाउ ऑफरिंग एन इलेक्टिव कोर्स जो कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर है फॉर स्टूडेंट्स हु आर बिजनेस ग्रेजुएट्स एज वेल, ज़्यादातर क्योंकि ये वो लोग हैं जो अब कॉरपोरेट साइट्स पर जाएंगे, दे वुड बी प्रोफेशनल्स और दे वुड बी डीलिंग विद within multinational corporations as well. तो वहाँ पर वो एक proper forcefully implement कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि किस तरह से gestures, किस तरह से facial expressions या body language plays a very vital role. जहाँ तक हमारा आपने facial expressions की बात कही, तो facial expressions बोल लिया मैंने सारा कुछ, that is speech, that let's just put that aside. उससे confidence झलक रहा है नहीं झलक रहा, that's a whole another story. लेकिन facial expressions is the first thing. वो जो विजुअल जाना है ना किसी को आपका, वो फेशियल एक्सप्रेशन सबसे पहली चीज ही वही है. सो ये कह देना कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग उसको कंपोज्ड रखें, आई वोंट से हम नहीं रख पाते बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इमोशनल. अच्छा बॉय वाज वेटिंग फॉर दैट, तो भी नहीं होता कि वो फेस पे कुछ आया हुआ है और दूसरे फील कर रहे हैं. और ऐसा होता है फातिमा डेली आती है ऑफिस में, पता चल जाता है कि आज फातिमा के साथ किस, तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट, कौन सा मास्क पहना हुआ है. इसका मतलब है, इसका मतलब है कि फेशियल एक्सप्रेशन मैटर करते हैं. एक और मजे की बात कि इसी वजह से मैसेजेस में लड़ाइयां हो जाती हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, पता नहीं चलता पहले. सो वी हैव इमोजीज, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. बहुत सारे लोगों को इमोजीज भी सही यूज कर रहे हैं, यूज करने नहीं आते, वो बेचारे बात फनी कर रहे होते हैं. बहुत सारे लोग हमारे लिस्ट में, लेकिन वो ऐसा ही मुझे लगा वो आपको ना कहीं आपको लग जाता, समझ नहीं आता क्या बात, आपको बुरी लग जाती है वो इमोजी साथ में. अब इमोजी भी तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, अगर वो भी गलत दे दिए तो उसका भी नुकसान. अच्छा इसका बहुत कंट्रोल करने की जरूरत होती है, बहुत कंट्रोल. वी आर इमोशनल बीइंग्स, तो वो हम 101% 24/7 उसको कंपोज नहीं रख सकते.
अब कभी ना कभी तो ऊपर नीचे वो हमारे वीक पॉइंट्स कुछ हो रहे होते हैं, कभी सामने आ रहे हैं, कभी कुछ नेगेटिव सामने आ रहे हैं, कभी समथिंग पॉजिटिव अराइव्स इन फ्रंट ऑफ अस. तो वो उतार चढ़ाव, वो जैसे हम कहते हैं ना, वो होना होता है, दैट इज वेरी नेचुरल. अच्छा, अगर हम आई स्टिल रिमेंबर, सही, यू कैन डू दैट, आई विल सी यू आफ्टर द शो. आई स्टिल रिमेंबर माय वेरी फर्स्ट क्लास एट माय यूनिवर्सिटी, एंड द टीचर वाज गिविंग डिलीवरिंग अ लेक्चर. द कंटेंट वाज सो गुड, इतना अच्छा, इतना कमाल पढ़ा रहे थे, कंटेंट इतना अच्छा था, सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था, बट वन थिंग जो मेरे जहन पे, कहते हैं ना, जहन नशीन हो गई, कि मैंने कहा कि इफ आई बिकम अ टीचर आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट, दैट ही वाज सो ब्लैंक. और एक तो वो मोनोटोनिक थे, ऊपर से वो ब्लैंक फेशियल तौर पे ब्लैंक थे. आई हैव अ क्वेश्चन. डिफरेंट सिचुएशंस में आपने मुझे बताना है कि किस तरह के हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर हम इंटरव्यू में गए हैं तो किस तरह के होने चाहिए? यू शुड हैव अ वेरी काम लुक ऑन योर फेस. हां, विद अ लाइट स्लाइट स्माइल, नॉट अ स्माइल, नॉट अ लाफ, नॉट अ लाफ. अच्छा, वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस. हम कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहां पर, फिर वापस आते हैं मैम फातिमा के पॉइंट ऑफ, क्योंकि हमने तो चुप नहीं करना. हमने तो चुप नहीं करना. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Is par online nahi balki live hongi baatein man ki un logon ke saath जिनके सर पे है बहुत भारी जिम्मेदारी इस कौम के मुस्तकबिल को सीधे रास्ते पे लगाने. आईएसपी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले उस्तादों की जिंदगी को जानने की कोशिश करेंगे बहुत करीब से, और उनसे करेंगे बहुत सी बातें. मन की बातें, मन की सीजन 2. वेलकम बैक एवरीवन. और हमारी बहस जोर शोर से जारी है, जो हम कर रहे थे फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर की. मिस फातिमा से सवाल कर रहे थे सर शुएब कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को किस तरह से कंट्रोल और एक्सप्रेस करना चाहिए. बिल्कुल, इंटरव्यू में आपने क्या बताया कि अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑब्वियसली हम सब ही ओपिनियन ले रहे हैं एक दूसरे की, आई थिंक यू शुड बी वेरी मच काम. नॉन सीरियस किस्म का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी सीरियस गोइंग ऑन राइट देयर. एग्जैक्टली. एंड यू शुड लुक डेडिकेटेड एंड डिटरमिंड. मतलब आपको पता भी चाहे हो कि सीवी में मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, बट आई शुड लुक कॉन्फिडेंट इनफ कि यस, ठीक है, दैट यस. अच्छा, वो फेस पर आया होता है इंटरव्यू में आपके कि आप डरे हुए हैं. डरे हुए हैं. 12 बजे होते हैं. उसको कंट्रोल कैसे करें? 12 बजे में उसको नहीं कहेंगे, बट हम डरे हुए हैं, थोड़ा फियर और नर्वसनेस नजर आ रही होती है. काम करें. प्लस हमने पहले भी ये बात की थी, इस मामले में आई थिंक एफर्मेशंस हेल्प यू अ लॉट, दैट आई नो दैट आई कैन अचीव दिस. आई हैव, मतलब मैं इतना सारा रास्ता पूरा तय करके आया हूँ अपनी लाइफ में. मतलब अगर मैं कहीं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सो देर इज अ रीजन दैट आई एम स्टैंडिंग हियर. So I think I would be fine by doing that. वो अपने आप को फर्म करवा. कि ये जो बहुत बार हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सिर्फ मैं ही हो रहा हूँ. अच्छा, इस चीज को थोड़ा इजी करते हैं कि ये सब हो रहे होते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, ये सबके साथ ही हो रहा था, लेकिन हमने उसको मैनेज करना होता है. वेरी नेचुरल. कुछ कुछ चीजों को, कुछ जो बहुत ज्यादा मेजर लूप होल्स हैं इसमें कि वो हमारे फेस पे दूसरे को, इंटरव्यूअर को ना नजर आए, उन चीजों को अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, वो 100% नहीं भी होते, देन इट इज फाइन, इट इज टोटली ओके. यानी आपका कहने का मकसद है यू आर अलाउड टू बी नर्वस, बट डोंट शो इट ऑन योर फेस. अच्छा, वो नर्वस हम कहते हैं कि वो नर्वसनेस इज नेगेटिव एनर्जी. Negative is a negative word, energy is a positive word. So it's negative energy.
तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन कैन बी वेरी गुड। अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम स्टेज पे खड़े हैं या फिर हम किसी से बात करें, क्या ऐसा भी होता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी होने चाहिए? एक ही जैसे तो नहीं, मतलब स्माइल कर रहे हैं तो स्माइल ही कर रहे हैं? हां, नहीं, वी आर नॉट मेंट टू बी मशीन्स और रोबोट्स। वो नजर आए ना कि हमारे अंदर इमोशन है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और जब हम जितना फेशियल एक्सप्रेशंस एग्जिबिट कर रहे होते हैं अपनी, उससे उतना ही जो बात करने वाला होता है, जो हमें बात हमें सुना रहा है, उसका भी कॉन्फिडेंस गेन हो रहा था कि अच्छा, हाँ, यू आर लिसनिंग टू मी। बिल्कुल, वो इवन अगर आप आईब्रोज से जेस्चर दे रहे हो, अपनी आंखों से दे रहे हो, जैसे भी, व्हाटएवर द फेशियल एक्सप्रेशन इज। अच्छा फातिमा, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। फेशियल एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेशन देते हुए आपको थोड़े सी एक लाइन, एक बाउंड्री का ख्याल करने की जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप एक फॉर्मल सेटिंग में बैठे हुए हैं, हम हर वक्त सबको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जी जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है, अच्छी सी नॉर्मल सेटल स्माइल होती है उसके चेहरे पर, कि वो कॉन्फिडेंट लगता है वैसे। लेकिन बहुत सारी सेटिंग्स में मुझे जो ऑकवर्ड फील होता है कि अगर हम लड़कियों को ये बात कर रहे हैं और वो हर जगह पर ही स्माइल दे के बात कर रही हैं, तो क्या इसका कोई और मैसेज भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है। देन यहाँ पर एक और इस बात को मैं ऐसे आंसर करूँगी कि देयर इज ऑलवेज अ लाइन टू एवरीथिंग, नॉट टू मच एंड नॉट जस्ट सो लिटिल और सो लेस। तो वो जो एक दरमियान है उसका, उसको रखें, लेकिन स्माइल विद अ वेरी काम जेस्चर, कि वो लगे भी ना दैट यू आर ट्राइंग टू सिग्नल समथिंग टू समवन। बट वो एक जो एक स्माइल होता है जो आप एक इंटेलिजेंटली किस्म का दे रहे हो, हाँ, आपको वो एक खासतौर पे लड़कियों को इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। हम यूजुअली कहते हैं, हम एक दूसरे को भी कह रहे होते हैं कि ऐसे क्यों बैठे हो, आर यू मिस्टर नो एट ऑल, कि वो जो जेस्चर हम दे रहे होते हैं दैट आई नो एवरीथिंग। कभी कभी वो कहीं कहीं देना जरूरी भी है अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। अच्छा, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आई थिंक वो है आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब आई कॉन्टेक्ट भी है और बॉडी लैंग्वेज में आपका आ जाता है क्या कहते हैं उसे, पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस जब आप किसी से बात करें, तो समीर आपको क्या लगता है कि हमारा आई कॉन्टेक्ट भी मैसेज या कोई सिग्नल दे रहा होता है, हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है? अच्छा, हमारा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि बहुत बार हम अटायर के ऊपर सिर्फ बात करते हैं, ठीक है, कि अटायर ऐसा होना चाहिए वर्क प्लेस पर, अटायर ऐसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पर भी बात, ये जो थोड़ा आई कॉन्टेक्ट और पर्सनल स्पेस को मैं इसके साथ ऐड करूंगा, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा वो हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। अब आई कॉन्टेक्ट ये कि जो इंसान बात कर रहा है, अगर वो आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, उसके पास उस बात करने का पीछे होमवर्क उसने कर रखा है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास तमाम चीज है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, ही इज कॉन्फिडेंट। अगर वो बात करते हुए इधर उधर, आप खुद देखें कि मैं बात करते हुए आपसे, आपको जवाब दे रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, इधर उधर इधर उधर देखूंगा, तो थोड़े टाइम के बाद आपको एक तो मेरा मैसेज जो है वो इरिटेटेबल लगेगा, प्लस आपका खुद का इंटरेस्ट लैक हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और थर्ड थिंग ये होगा कि मतलब वो बात की उतनी हैसियत भी नहीं रहेगी, जितनी उसकी वर्थ होगी वो उतनी नहीं रहेगी। प्लस इसको अगर मैं लेकर आऊं पर्सनल स्पेस के साथ, तो कई दफा जब बहुत सारे लोग हमारे साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत कर रहे होते हैं, शायद उनको ये पता नहीं होता, लेकिन ये मुझे भी कभी ना कभी पता चला, शुरू से नहीं पता था। हमें ऐसी चीजों का पता रखना जरूरी है, इसकी कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुझे पता नहीं चला। एक दुनिया में हम रह रहे हैं, हम तमाम इंसान उस तो एक जैसी चीजों से ही फेमिलियर है ना, सीख कर ही, एक जैसी चीजों, लेकिन फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं मुझे लगता कि 100% उसको दे पाती कि यार उसको पता नहीं। तो बहुत, अब देखें कई दफा ऐसा होता है कि लोग जब बात करते हैं ना, वो आपके फेस के बहुत करीब आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हो बहुत ज्यादा, यस, कि ये क्या है। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि आप बात कर रहे होते हो तो वो डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही हो जाता है, कि आपको आवाज नहीं आ पाती, आप थोड़ा सा ज्यादा वो कैजुअल हो जाते हो, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, या वो इरिटेट भी चीज करती है। और ये जो डिस्टेंस है ये ना सिर्फ हमारा वर्क प्लेस पर, और ये जो आई कॉन्टेक्ट है ना सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस हमारी वर्क प्लेस पर है, बल्कि इसके हमारे प्रोफेशनल प्लस पर्सनल रिलेशंस दोनों में होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अगर मैं किसी की बात गौर से नहीं सुन रहा, अपने पार्टनर की नहीं सुन रहा, अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहा, उनको पता कि अगले बंदे को साफ नजर आ रहा था कि यार इसका इंटरेस्ट नहीं है, मैं मोबाइल पे हूँ और अगला बंदा मुझसे बात कर रहा है,
तो ऑब्वियसली अगर वो मेरे वालदैन में से कोई है, डिसरिस्पेक्टफुल है, अगर वो मेरे टीचर है, अगर वो मेरा कोई और कजन है कुछ भी, तो वो चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मैं सुन ही नहीं रहा, मैं उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा. तो आई कॉन्टेक्ट इस लिहाज से ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है. सेकेंड, पर्सनल स्पेस. अब हर एक रिलेशनशिप जो है ना, ये वेरी करता है कि मैं अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनल स्पेस बीच में थोड़ी सी कैजुअल हो सकती है. अगर मैं वर्क प्लेस पर किसी से बात कर रहा हूँ, प्लस फिर वो मेल और फीमेल को स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, तो वो भी थोड़ा सा मजीद वो हो जाता है कि उनसे भी मेरी फिर थोड़ी डिफरेंट तौर तरीके से, मतलब वो एक डिस्टेंस होगा. तो हम इन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम इन चीजों को इतना फोकस नहीं करते, लेकिन ये तमाम चीजें हमारी वर्क प्लेस पर, वर्क प्लेस मींस जहां पर आपके इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जहां पर आपके इर्द गिर्द एनवायरमेंट ही ऐसा बना हुआ है, तो आप वहां पर रह रहे हैं, तो उन सबको ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है मैं ऐसे ही हूं कि बस ऐसे ही है तो ठीक है, नहीं, ये सब चीजें नोट हो रही हैं. यू नीड टू बी कॉन्शियस. वो अगले लोगों को मुझे लगता है कि वो उनकी एक बड़ापन है कि वो आपको कहते नहीं है या नहीं टोकते या वो नहीं शो कराते, दैट इज देयर टॉलरेंस लेवल, कि वो कितना वो उसको टॉलरेट करें. लेकिन आपको खुद को इतनी समझ होनी चाहिए, प्रोफेशनली आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे कितना डिस्टेंट होकर बात करनी है. वो आपके जोक्स के ऊपर भी आ जाता है, पर्सनल स्पेस. आप अपना, मैं जो जोक अपने फ्रेंड से करूंगा वो मैं अपने वर्क प्लेस पे फ्रेंड से नहीं करूंगा. बिल्कुल, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस. यस, वेरी कॉन्शियस, क्योंकि हो सकता है उसको बुरा लगे, और वो बुरा लगता भी है कई लगता है. अच्छा, ये चीजें सिग्नल्स दे रही होती हैं नॉन वर्बली. हम लोग वैसे तो इन चीजों की केयर नहीं करते हैं, लेकिन हमें करनी चाहिए. अगर हम इस चीज के लिए प्रोफेशनली कॉन्शियस हैं कि मैंने अपना एक प्रोफेशनल इमेज बिल्डअप करना है, मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो मुझे कॉन्शियस होना पड़ेगा मेरी नॉन वर्बल सिग्नल्स या मैसेजेस के लिए. स्पेशली आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स. ठीक है, हमारी लड़कियों को इस चीज का बहुत बहुत कॉन्शियस होके केयरफुल होना जरूरी है कि वो देखें कि मैं बैठी हूँ, मैं मेल्स के साथ बैठी हूँ, तो मैं कैसे बैठी हूँ, क्या इमेज बिल्डअप कर रही हूँ मैं अपनी पर्सनालिटी का, क्या मेरा पोस्चर है, क्या जेस्चर है. अब श्वेब साहब बात कर रहे हैं, ही इज माय कॉलीग, वो मुझसे बात कर रहे हैं और मैं इधर उधर देख रही हूँ, क्या जेस्चर जा रहा है. जब मैं बात करूंगी ना, तो फिर उनकी तरफ से भी ऐसा ही बैड रिस्पॉन्स आएगा कि आई डोंट केयर अबाउट यू ईदर. और अगर आप ये सोचते हैं या सोचती हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा, हम तो ऐसे ही बैठे, ये बात गलत है. एग्जैक्टली, आप पब्लिक प्लेस पे हो, पीपल आर लुकिंग एट यू एंड दे आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर सिटिंग एंड स्टैंडिंग. मिसाल के तौर पे एक बच्चा है या बच्ची है, वो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है जूता रगड़ रगड़ के चलते हैं, ठीक है, यहाँ से मैसेज जाता है. एक लड़का है दूर बैठा हुआ है, कैफे में बैठा हुआ है, ठीक है, वो जी चेयर के ऊपर रख के, प्रोफेशनल जगह पे यूनिवर्सिटी के अंदर टेबल के ऊपर टांगे रख के बैठा हुआ है, और उसको कोई होश नहीं है कि वो किस तरीके. I am going to judge that person. कि अच्छा ये कहां से आ रहा है, ठीक है. और एक बच्चा जो बहुत अच्छे तरीके से, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल फौजी वाले तरीके से, लेकिन अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से बैठा हुआ है, एक लड़की डिसेंट तरीके से चल रही है, बैठी हुई है, उसको अपनी इज्जत का, अपनी एक बॉडी की रिस्पेक्ट है उसको, तो वी आर गोइंग टू जज दैट पर्सन. एवरीबॉडी इज जजिंग एवरीबॉडी. ये हमें नहीं, कोई नहीं देख रहा, तो आप ऐसा नहीं है, उसको लिए करने के बजाय अपना इमेज बिल्ड कर रहे हैं. हम अपना इमेज बिल्ड, यार मैं इतना कंपोज्ड होकर चलूं, बैठूं, उठूं कि दूसरों की नजरों में मैं ऐसा लगूं, क्योंकि लोग देख रहे हैं. यस, पीपल आर वाचिंग, पीपल आर वाचिंग. और स्पेशली हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में ये चीजें बहुत नोटिस हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड किया जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए, जो लोग इस चीज को, जैसे मैंने अभी बात की, कि अपना प्रोफेशनल इमेज बिल्डअप करने का. वन लास्ट सेंटेंस, आप जो अपने स्टूडेंट्स या यूथ को एक मैसेज देना चाहते हो अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट अवॉइड दैट. श्वेत, एवरीथिंग मैटर्स, बट खड़े और बैठो स्ट्रेट कमर के साथ. ओके, वन थिंग मिस फातिमा, एवरीथिंग इज नोटिसेबल. Whether you're trying to hide it or not, everything is noticeable regarding your body language. Just make it composed enough ki wo kisi ko bura message na de, wo kisi ko koi is tarah se degrading kisam ka message na de. So it's noticeable. Keep that in your mind. हम लोग different जगहों पर जा रहे होते हैं, different लोगों से मिल रहे होते हैं, सब हमारे जानने वाले नहीं होते, तो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने पोस्चर से, अपने आई कॉन्टेक्ट से अगले बंदे को इतना कंफर्टेबल करना चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम या उसी भी टाइम हमसे बात करने के लिए रिलैक्स एंड ईजी होकर हमसे बात कर सके, ताकि जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, आगे रिलेशन है, वो स्मूथली चले.
थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगु थी आज की। हम इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे इसी कॉन्फिडेंस लाउंज की इसी इनफॉर्मल सी सेटिंग में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत फॉर्मल होकर आपसे बात ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से और यूथ की तरफ से भी यही फीडबैक आ रहा होता है कि हमें तब ज़्यादा बातें समझ आ रही होती हैं जब आप लोग आपस से रिलेट करके बात कर रहे होते हैं। So we will come back again with another topic of Confidence Lounge. Till then, thank you so much everyone. Allah Hafiz. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge.